हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो उससे पहले हम एक बार फिर से जरा रिवाइज कर रहे हैं कि एलिमेंट किसको बोलते थे। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता था? ऐसा कोई सब्सटेंस जिसको हम फर्दर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे हम कोई सा भी केमिकल प्रोसेस यूज कर लें, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी यूज करें उसको ब्रेक करने के लिए, लेकिन वो चेंज ना हो किसी और सब्सटेंस में, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक, अब अगर जरा हम याद करें तो एलिमेंट क्या होता था? एलिमेंट फॉर्म ऑफ मैटर है। ठीक है, मैटर का ही एक फॉर्म है। और अगर हम ये याद करें अब कि मैटर किस चीज से बना होता था, तो मैटर जो है एम और मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक है, तो एलिमेंट की क्लासिफिकेशन पे जाने से पहले एक बार फिर से एटम पे आते हैं। ठीक, ताकि हम एटम्स की थोड़ी सी और डिटेल्स को देखेंगे, ताकि हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ने वाले हैं उसको समझने में हमें और आसानी हो। ठीक है, तो एटम जो होता है उसके अंदर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स और होते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे हम लोगों के पास हमारी जो सबसे एक्सपेंसिव पोजेशंस होती हैं, ठीक है, जो हमारी सबसे कीमती चीजें होती हैं वो हम सेफली रखते हैं। ठीक है, तो सेफली कहाँ रखी होती है? लॉकर में रखी होती है। ठीक, ऐसे ही एटम के पास जो उसकी सबसे कीमती पोजीशंस होती हैं या जो उसकी सबसे कीमती चीजें होती हैं वो उसने यहाँ सेंटर में, उसके पास एक लॉकर होता है, उसमें रखी होती है। उस लॉकर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और वो जो कीमती पोजीशंस है उसकी, उसको बोलते हैं हम प्रोटोन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटोन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक, और न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो इन चीजों को वो किसी के साथ शेयर नहीं करता है। ठीक, इसके पास इसका एक और पोजीशन होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों के पास जो हमारी कीमती चीजें वो तो हम सेफली लॉकर में रखते हैं, बाकी चीजों को हम ऐसे ही रखते हैं जिनको हम और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही, या ऐसा कह लो कि हमारी वो पोजीशंस जो हम अपनी सोशल लाइफ को मेंटेन करने के लिए रखी होती है हमारे पास, जिसको हम शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ हमें कोई चीज की जरूरत पड़ गई तो हमने उससे ले ली, या उसको कुछ चाहिए तो हमने उसको शेयर कर दी। तो वो चीजें जो वैसे वाली पोजीशंस होती हैं एटम की, वो उसने ये न्यूक्लियस से बाहर रखी होती है। ठीक है, लॉकर से बाहर रखी हुई है और ये यहाँ रिवॉल्व कर रही होती है। ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जब भी कोई एटम किसी भी एलिमेंट या सब्सटेंस या कंपाउंड का किसी दूसरे एलिमेंट कंपाउंड के साथ इंटरैक्ट करेगा, ठीक है, या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसमें हमेशा उसके इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो वो इन्हीं चीजों को बांटेगा, अपने इसी पोजिशन को आगे शेयर कर सकता है। ठीक है, बाकी जो उसका कीमती पोजिशन है वो बीच में ही रहने वाला है, उसको वो शेयर नहीं करेगा। तो एलिमेंट्स को दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, या मेटल में और नॉन मेटल में। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई होता है एलिमेंट। तो हमने जो अभी एटम की अंदर की चीजों को समझा, उसके इंटीरियर में जितनी भी चीजें होती हैं उनको समझा, वो इसलिए ताकि हम जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट का उसको और अच्छे से समझ पाए। ठीक, अब ऐसा कंसिडर करो, अपना कोई एक ऐसा दोस्त कंसिडर करो जिसको तुम कभी भी हेल्प के टाइम पे फोन करो और वो हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हो। ठीक, जो भी आपको हेल्प चाहिए हो वो आपकी हेल्प करने को तैयार हो, तो वो दोस्त आपका आपकी लाइफ में मेटल है। ठीक है, तो यानी कोई ऐसा एलिमेंट जिसके एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा उन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए तैयार हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। ठीक है, और वो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब भी कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी प्लस साइन आएगा, बिल्कुल मैथ्स के उल्टा। मैथ्स में उल्टा होता है, मैथ्स में अगर कोई चीज ऐड होती है तो उसमें प्लस लगता है और सब्ट्रैक्ट होती है तो माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो चीज कोई डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन। ठीक है, और इसी का उल्टा होता है नॉन मेटल। ठीक है, अब आप ऐसा अपना एक दोस्त कंसिडर करो जो हमेशा फोन करके हेल्प के लिए आपसे पूछे हमेशा कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये हेल्प की जरूरत है, तो वो दोस्त आपकी लाइफ में नॉन मेटल है। ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट जिसमें क्या हो, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए तैयार रहता हो, जिसको हमेशा इलेक्ट्रॉन दे दो और वो गेन कर लेगा, उसको हम नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है,
तो मेटल का एग्जाम्पल हो गया जैसे सोडियम हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। नॉन मेटल का हो गया कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो नॉन मेटल में आते हैं। ठीक, तो ये तो इनका बेसिक डेफिनेशन हो गई मेटल और नॉन मेटल की, ठीक है, कि इनको इस तरह से क्लासिफाई करते हैं, ऐसे हम मेटल नॉन मेटल को पता कर सकते हैं। इनको नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स को इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी इनको डिफरेंशिएट करने की बात करेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पे तब बात करेंगे जब इसको डिटेल में चैप्टर वाइज कहीं मेटल नॉन मेटल को जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक, तो जो पहली चीज है, तो मेटल जो होते हैं वो मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। ठीक है, तो मेलिएबल का क्या मतलब हुआ, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम बीट करें किसी हैमर से या किसी भी चीज से और वो अगर थिन शीट्स में चेंज हो जाए तो वो जो सब्सटेंस है या वो जो एलिमेंट है उसको हम मेटल बोलते हैं। ठीक है, और जो नहीं हो सकता है चेंज उसको हम नॉन मेटल बोलते हैं। ठीक है, ऐसी जो डक्टाइल होता है, डक्टाइल में जो सब्सटेंस या जो एलिमेंट को हम बीट करके उसको चेंज कर दें, किसमें थिन वायर्स में चेंज कर दें, उसको हम मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो मेटल की प्रॉपर्टी यही है, उसको अगर हम बीट करेंगे तो वो थिन वायर्स में चेंज हो जाएगा बल्कि नॉन मेटल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं मेटल की, एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, क्योंकि 100% तो कोई चीज नहीं होती है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो वो केमिस्ट्री में भी होते हैं। ठीक, और मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें एक मीडियम चाहिए करंट पास करवाने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए और हीट पास करवाने के लिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज होती है मेटल। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा वायर्स जो बनी होती है कॉपर की, एल्यूमिनियम की, इन चीजों की बनी होती है। ठीक है, तो वो इसीलिए बनी होती है क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, एक्सेप्शन है इसमें ग्रेफाइट जो होता है वो अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, नॉन मेटल होता है। और अगर बात करें उनकी अपेयरेंस की, तो जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं, एक्सेप्शन सिर्फ उसमें मरकुरी का है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है रूम टेम्परेचर में। ऐसी नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल सॉलिड और गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, एक्सेप्शन उसमें ब्रोमीन है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है रूम टेम्परेचर में। ठीक, और प्रॉपर्टीज देखें तो सोनोरस हो गया, तो जो मेटल होता है वो सोनोरस होता है। सोनोरस होने का मतलब ये है कि उसको अगर हम किसी स्टिक से या किसी भी चीज से बीट करेंगे तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, उस टाइप के एलिमेंट को हम मेटल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है वो नॉन मेटल होता है। ठीक, और जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होता है, हार्ड होते हैं। ठीक है, तो उनकी सरफेस जो होती है हार्ड होती है। ठीक, और जहां नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल क्या होते हैं, बहुत ब्रिटल होते हैं। ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं कई उसमें से नॉन मेटल, लेकिन अगर उसको बीट किया जाए किसी चीज से तो फट से टूट जाते हैं। ठीक, मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं। ठीक है, यानी जो उनकी सरफेस होती है वो शाइनिंग सरफेस होती है, चमक होती है इनमें। ठीक, मेटल्स में, नॉन मेटल्स की जो शाइनिंग सर्विस उनकी नहीं होती। ठीक, तो ये हुआ हमारा मेटल और नॉन मेटल, कैसे इनको डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे इनको पहचानेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।